हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं कोई ब्लॉग नहीं लेकर आई हूँ, जो कि आपने थंबनेल देख के और टाइटल देख के पता ही चल गया होगा कि मैं किस ट्रिक के ऊपर, किस टिप के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ। मैं लेकर आई हूँ कि अगर आपको आज ही शादी में जाना है और आपने फेशियल नहीं करवा पाया है या नहीं करवा सकते, तो बस शादी के, जैसे कि हम पार्टी वेयर में जा रहे हैं, उसके आधे घंटे पहले अपने चेहरे को ग्लो कैसे करें, चमक कैसे लाए अपने चेहरे पे, बस वो ट्रिक लेकर आई हूँ कि ऐसे क्या चीज़ लगाए अपने चेहरे पे जो कि ग्लो करे और मेकअप एकदम फर्स्ट क्लास लगे और अच्छा रहे और टिका रहे। बस ये लेकर आई, छोटी सी वीडियो है। तो मैं लेकर आई हूँ एवरयूथ का मास्क, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही बढ़िया है ये। और जो लोग जान लगाते हैं उन्हें अच्छे तरीके से पता भी होगा कि बहुत अच्छा होता है ये। इससे हमारे चेहरे में ग्लो बहुत अच्छा आता है और ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा इसमें ट्रिक करनी पड़ेगी। बस कुछ नहीं है, इसको इस तरीके से निकाला और इसी में रखना है, ठीक है, ना किसी कटोरी में निकालना है, ना किसी बाउल में निकालना है, बस इसको इसी तरीके से। और ये जो हमारा ये है, इस तरीके से लगाना है ऊपर की साइड, क्योंकि हमारे बाल की ग्रोथ इस तरीके से होती है, तो हमें ये इस तरीके से लगाते जाना है। और छुड़ाने का जो तरीका होता है, मैं वो भी बताती जाऊंगी कि किस तरीके से छुड़ाना है ये। आपके चेहरे में जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं ना, जो सारे निकल जाएंगे, इससे जो कालापन होता है वो सारा निकल जाएगा। और एक पैकेट में इतना आता है कि आप आराम से लगा सकते हो, एक चेहरे के लिए आराम से हो जाता है, इसमें कम नहीं पड़ता। और मैंने चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाया था, सिर्फ मैंने अपना चेहरा धोकर आई थी सादा पानी से, साबुन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, खाली वॉश किया था मैंने पानी से बस। अब हमें अपने चेहरे को कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए इसको सूखने देना है, फिर मैं इसको छुटाना बताऊँगी कि किस तरीके से छुटाते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस आपको कुछ नहीं करना अपनी पार्टी में, शादी में जाने के लिए, बस उसके आधे घंटे पहले करना है, बहुत अच्छा ग्लो लाएगा ये। 5 मिनट हो चुके हैं, 5 से 7 मिनट मैंने इसको लगाया, आप देख सकते हो बिल्कुल सूख गया है चेहरा, एकदम टाइट हो गया, ये देखिए बिल्कुल सूख गया है ये। अब छुटाना कैसे है हमें, नीचे की तरफ से, यहाँ से, ठीक है। तो ये देखिए सारा मैक्स निकल चुका है इस तरीके से। तो हमारे जो छोटे छोटे बाल होते हैं, इसमें इसमें सारे चिपक के निकल चुके होंगे। और तो आप ये देख सकते हो कि मेरा पहले से चेहरा थोड़ा ठीक हो गया है, ग्लो कर रहा है, आप अपने आप खुद देखिएगा, है ना। और ब्लीच लगाने का झंझट ख़त्म, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है ब्लीच सूट नहीं करती, तो ये चीज़ बिल्कुल बढ़िया है, हर किसी को सूट करता है और इफ़ेक्ट कुछ नहीं होगा इससे। तो आपको ये कैसा लगा ये नुस्खा और ये टिप बताना मुझे। और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि टिप आपको कैसा लगा, ये नुस्खा कैसा लगा आपको, और कौन कौन जानता है ये भी मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, कौन कौन यूज़ करता है ये ट्रिक, मैं तो भाई करती हूँ हर बार, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो का कर देते हैं एंड, फिर मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।